ଉଦୟଗିରିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶାହା କହିଛନ୍ତି 2024 ନିର୍ବାଚନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବନାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ପର ଜିହାଦ ବନାମ ଭୋଟ ପର ବିକାଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାହା। ସେହିପରି ରାହୁଲଙ୍କ ଚାଇନିଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିରୋଧରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଭାଇ ଓର ବେନୋ, ଏ 2024 କା ଯୋ ଚୁନାଓ ହେ, ଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସିସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କା ଚୁନାଓ ହେ। ଏ ଚୁନାଓ ଭୋଟ ଫର ଜେହାଦ ଇସକେ ଅଗେନଷ୍ଟ ଭୋଟ ଫର ବିକାଶ କା ଚୁନାଓ ହେ। ଏ ଚୁନାଓ परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध, देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। उत्तर प्रदेश रो सीतापुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस सपा और बीएसपी उपरे जोरदार बर्षि छथि। विरोधी को पाई क्षमता हासिल करिबार एक माध्यम हेउछि निर्वाचन, कारण से माने निज परिवार पाई अधिकरु अधिक धन लूट करि परिबे। हेले बीजेपी आत्मनिर्भरशील भारत और देशर विकास लगी क्षमता को आसीबा को चाहूची। कांग्रेस और सपा बसपा के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का माध्यम होगा, क्योंकि इनको सत्ता इसलिए प्राप्त करनी है जिससे अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन लूट सके। लेकिन बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आना चाहती है जिससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत को साकार कर सके, सपने को साकार कर सके। शेपटे उत्तर प्रदेश रो फतेहपुर रे एक निर्वाचनी रैली रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहिसेंती देशर गरीब और पछुआ वर्ग को मोदी सशक्त करिसेंती। मोदी को गरीब कल्याण योजना कारण रु देशर 25 कोटी लोक गरीब रेखारु बाहर को आसी परिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, युवा की, किसान की, हमारी मातृशक्ति माताएं बैठी हैं, उनको अगर सशक्तिकरण किसी ने किया और ताकत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने दी उनको ताकत। ये हमको समझना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, आज देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण, आज नीति आयोग बताता है कि 25 करोड़ लोग देश के गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए। लोकसभा निर्वाचन रो चतुर्थ पर्याय रे उत्तर प्रदेश रो 13 एवं तेलंगाना रो 17 आसन रे मतदान हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।